किसान भाइयों, आज का विषय जो है हम आपके लिए लेके आए हैं वो है फूलों की खेती। चलिए देर न करते हुए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास और लेते हैं जानकारी। अपने झारखंड प्रदेश में यदि किसान भाई अच्छी आमदनी की चाह रखते हैं तो उन्हें सामान्य फसलों से हटकर खेती करनी होगी। हमारे प्रदेश में फूलों की खेती इसके लिए एक बेहतर विकल्प है। यहाँ की मिट्टी तथा जलवायु इसके लिए काफी अनुकूल है। यहाँ फूलों की खेती खुले वातावरण तथा संरक्षित संरचना दोनों में ही सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके लिए सिर्फ फूलों के प्रजाति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ मुख्य रूप से कुछ ऐसे फूल हैं जिनकी खुले वातावरण में खेती की जाती है, कुछ फूलों की हम संरक्षित संरचना के अंतर्गत ही खेती कर पाते हैं। अगर खुले वातावरण में फूलों की खेती की बात करते हैं तो ग्लेडियोलस और गेंदा और इसके अलावा रजनीगंधा, ये जो पुष्प होते हैं, इनकी खेती हमारे किसान भाई यहाँ पे जैसी यहाँ की मृदा और जैसा यहाँ का वातावरण है उसमें सफलतापूर्वक कर सकते हैं। वहीं अगर हम संरक्षित संरचना की बात करते हैं तो मुख्य रूप से डच रोज़, जरबेरा, कार्नेशन, इन पुष्पों का हमारे किसान भाई चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इन फूलों में जो हम संरक्षित संरचना के अंतर्गत जिनकी खेती कर रहे हैं इसके लिए हमें पॉली हाउस या शेड नेट ऐसी संरक्षित संरचना का चुनाव करना होता है। जब हम डच गुलाब की खेती की बात करते हैं तो जो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हैं जिसमें वातायन के लिए इसमें कोई अलग से कृत्रिम व्यवस्था नहीं की जाती है, प्राकृतिक रूप से संवहित होते हैं, इनका चुनाव ही करना श्रेयस्कर होता है। क्योंकि किसान भाइयों, जो अगर गुलाब की खेती की बात करते हैं तो इसमें लागत, प्रारंभिक लागत संरक्षित संरचना की स्थापना में और जो भी ड्रिप सिंचाई पद्धति, अन्य जो इसके लिए ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा लागत आती है। तो किसान भाइयों को हमारे लिए यही अनुशंसा रहेगी हमारे किसान भाइयों को कि जो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हैं उन्हीं का चुनाव करें। इसके अलावा अगर आप जरबेरा की खेती में जाना चाहते हैं तो शेड नेट जो कि जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय से आपको अनुदानित मूल्य पर प्राप्त हो सकता है, इनका चुनाव कर सकते हैं। इन फूलों की अच्छी उपज तथा गुणवत्ता के लिए दो बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। पहली बात तो ये कि इन फूलों की खेती के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन अति आवश्यक है। फूलों की उपज तथा गुणवत्ता का इससे सीधा संबंध रहता है, अतः इसके लिए मिट्टी तथा पानी की जांच खेती शुरू करने से पहले ही करा लेनी चाहिए। क्योंकि फूलों की खेती चाहे आप खुले वातावरण में कर रहे हैं या आप संरक्षित संरचना के अंतर्गत कर रहे हैं, फूलों की गुणवत्ता पे ही उसका बाजार मूल्य पूरी तरह से निर्भर करता है। और अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी या किसी पोषक तत्व की अधिकता है, विशेष रूप से सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो उसके लिए उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है फूलों की गुणवत्ता पर पड़ता है। अगर हम संरक्षित संरचना के अंतर्गत फूलों की खेती करना चाह रहे हैं तो मिट्टी जांच करा लें, उसी अनुसार हमें पोषक तत्वों का ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, फर्टिगेशन विधि के माध्यम से हमें पोषक तत्वों को जो है प्रवाहित करना होता है फूलों के की जड़ों में, पौधों की जड़ों में। और इसके अलावा पानी की उपलब्धता जरूर सुनिश्चित कर लें। विशेष रूप से अगर हम गुलाब की खेती की बात करते हैं तो लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर, लगभग 1 लीटर पानी प्रति पौधे को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी आवश्यकता फूलों की खेती में पड़ती है। उसकी गुणवत्ता भी इस पर पूरी तरह से निर्भर करती है कि उनमें सिंचाई की जो पद्धति है, सिंचाई जल की जो गुणवत्ता है वो किस प्रकार है। यदि संभव हो तो सिंचाई के जल की भी आप जाँच करा लें। उसमें भी कई बार ऐसा होता है किसी न किसी तत्व की अधिकता पाई जाती है जिससे जो हमारे फूलों की गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। तो और इसके साथ ही साथ पॉली हाउस से पहले आप उसमें ये जरूर सुनिश्चित कर दें कि पानी की व्यवस्था हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो, विशेष रूप से अगर हम गुलाब की खेती की बात कर रहे हैं तो।